गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखा एक न्यू ब्लॉग फिर से, जो कि मैंने बोला था कि चांदनी चौक का या पालिका बाज़ार का हो सकता है। तो अभी हम अपने पीजी से निकल गए, ये मेरा पीछे पीजी है, तो अभी चल रहे हैं एक फ्रेंड के साथ, निकलेंगे आज पालिका बाज़ार के लिए और वहाँ पे देखेंगे पालिका बाज़ार या चांदनी चौक, जहाँ भी होगा थोड़ा बहुत शॉपिंग करेंगे और देखेंगे कहाँ पर चीज़ें और भी सस्ती हैं। अभी मैं रह रहा हूँ मानेसर की लोकेशन है और इस लोकेशन पर मतलब चारों तरफ पीजी ही पीजी हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ के IMT मानेसर के मार्केट पे, वहाँ पे जो है मेरे फ्रेंड वहाँ पे वो मिलेंगे, फिर वहाँ से उनके साथ हम लोग होके जाएंगे चांदी चौक या पालिका बाज़ार का। सेक्टर 1 की मार्केट पे आ चुके हैं IMT मानेसर की, ये है IMT मानेसर की मार्केट। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आए लाल किला के पास और ये लाल किला पीछे जस्ट चांदी चौक के। आज मेरे साथ है मेरे ब्लॉग पे मेरे फ्रेंड, तो वो कुछ आपको बताना चाह रहे हैं। हेलो गाइस, हाउ यू, आप देख रहे हो कितना क्राउड दिख रहा है, बैक कैमरा ऑन करके दिखा दो आप प्लीज। ये एक्चुअली क्या है ना, क्योंकि नगस्ती पे मशीन कम्प्लीट चल रही है, इसलिए हमारा आज एंट्री भी नहीं मिल रही है और हम लोग भी आप कमिंग 15 अगस्त, तो आप लोग भी गाइस प्लीज 15 अगस्त को यहाँ पे आइए, बहुत ही मज़ा आने वाला है। बट मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है कि जब भी हम यहाँ पे आते हैं तो हमें कहीं भी एंट्री, ये तो हम हमेशा बंद ही पाए कहीं भी, ऐसा इंडिया गेट में भी होता है, इंडिया गेट में भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और यहाँ भी होता है। तो अभी चल रहा है अपन चांदनी चौक में कुछ शॉपिंग करेंगे, फिर देखते हैं वहाँ का मार्केट कैसा है। देखा है अभी जस्ट हम लाल किले से निकल करके अभी फ्रंट में गुरुद्वारा पड़ता है, बहुत ही फेमस गुरुद्वारा चांदनी चौक में, आप लोग भी यहाँ आया विजिट कीजिए, ठीक है। अभी हम पूरी चांदनी मार्केट आपको शेयर करवाने वाले हैं, आप लगे रहे हमारे साथ और इस चैनल को प्लीज़ शेयर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अच्छी खासी भीड़ रहती है यहाँ पे और आज तो संडे भी है, तो ऐसे ही संडे को और ज़्यादा भीड़ रही है। जैसे कोई भी गुरुद्वारा हो सही सब जगह भीड़ रहती है। तो ये है गुरुद्वारा का एंट्री गेट, आप अंदर जाके जो भी है माथा का टेकें, लंगर खाएं। अगर आप चांदनी चौक आ रहे हो तो ये दही बल्ला और टिक्की चाट जरूर भी आके खाएं, ये बहुत फेमस है यहाँ का। मैं आपको बैक ग्राउंड पर दिखा भी देता हूँ वीडियो, ये कितनी स्वादिष्ट लग रही है ना, आप जरूर एक बार आए और इसका स्वाद जरूर चखें, ठीक है, जरूर चखें। ये चांदनी चौक पे है ये, आप जिस गुरुद्वारे से आप निकलोगे ये राइट साइड पे आप सीधे चले आना और राइट साइड पे दुकान है चाट टिक्की की और दही बल्ला की। तो अभी खाते हैं फिर चलते हैं अपन, बहुत हम लोगों ने कुछ खा लिया है, मौसम भी सही हो गया है, बढ़िया बादल कर लिया है, तो अब ब्लॉग के लिए बढ़िया है। आज देखते हैं आगे क्या है चांदनी चौक पे, कैसा लगा इस टैक्स का दही बल्ला आपको? बहुत बहुत बढ़िया, मैं तो कहूँगा कि जब भी अगर आओ चांदनी चौक तो इसकी टेस्ट बहुत आ जाओ, बहुत ही लाजवाब स्वादिष्ट। तो आलू टिक्की भी बढ़िया थी और दही बल्ला भी बढ़िया था, बहुत बढ़िया, दोनों कंपेरिजन करना बहुत मुश्किल है, दही बड़ा तो बीजी थी लेकिन आलू टिक्की बहुत चटपटी थी, जायका ले इसकी। हालांकि दिल्ली जो है फूड के लिए फेमस है, हर तरह के फूड यहाँ वैरायटी रहती है बहुत, तो लोग यहाँ पे फूड के लिए पसंद करते हैं। और भी चीज़ें हैं जो सस्ती है दिल्ली पे, तो सबके लिए पसंद किया जाता है दिल्ली। तो अभी चल रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट मार्केट पर और ये हो रहा है मौसम, कुछ धूप चली गई है, काफ़ी सही सा हो गया मौसम घूमने के लिए। अभी तो धूप हो रही थी, पसीना भी आ रहा था तो मन नहीं कर रहा था, लेकिन अब ठीक है, थोड़ा अच्छा हो गई है। ये सामने है इसके लाल किला जिसे 15 अगस्त की तैयारी हो रही है और यहाँ पे आएंगे नरेंद्र मोदी जी झंडे को फहराने, काफ़ी शेक हो रहा है मेरा ये ट्राइपॉड।
जाएगा। तो चांदनी चौक पे अभी बहुत पानी गिर रहा था, तो वहाँ से हम लोग ने वीडियो को वॉश कर दिया, वहाँ पे वीडियो कम्प्लीट नहीं हो पाया, तो हम लोग यहाँ पे आ गए पालिका पे। गाइस प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करें जितना हो सके उतना, क्योंकि भाई बहुत मेहनत लगती है भाई, दिल से बुरा लगता है भाई, दिल से बुरा। प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, भाई का वीडियो, भाई का चैनल है भाई। तो भाई ने बोल दिया है चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है, और जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस करना है, ताकि जो न्यू वीडियो की अपडेट है वो आपको मिलती रहे। तब तो वीडियो को करते हैं एंड, हम लोग जा रहे हैं अपने पीजी मानेसर, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय। जो सबसे बड़ी दिक्कत आई मेरे को ब्लॉग अच्छे से जो शूट नहीं कर पाया मैं, क्योंकि मेरा क्या हुआ था, ये ट्राईपॉड का जो था मेरा, ये देखो ये मेरे ट्राईपॉड का एंगल जो जिस पे मोबाइल लगाते हैं फिक्स करते हैं, तो ये ख़राब हो गया, मतलब ये फ्री हो चुका है, तो अगर इसमें मोबाइल लगा रहे थे तो ये गिर जा रहा था मोबाइल बार बार, तो इसके कारण मैंने मेरा मूड भी ख़राब हो गया, क्योंकि जहाँ तक अच्छे से वीडियो बन रहा था एंड टाइम पे, मतलब चांदनी चौक के मेन मार्केट में जहाँ पे हम लोग दिखाना जा रहे थे आपको, चांदनी चौक का मार्केट और पालिका का मार्केट, तो वो चीज़ आपको नहीं दिखा पाए, मिस कर दिया हम लोग ने, और हाथ से मोबाइल पकड़ने में मज़ा ही आ ही नहीं रहा था, हाथ मतलब मोबाइल शेक हो रहा था, बहुत ही प्रॉब्लम हो रही थी, तो उसके लिए हमने बहुत पालिका मार्केट में इस चीज़ को बहुत ढूंढा, तो उस किसी के यहाँ ये नहीं मिल रहा था, सब बोल रहे थे नया ले लो नया ले लो, तो इसका जो रेट था वो बहुत ही हाई बता रहे थे, 300-400 रुपये बता रहे थे, तो इसलिए मैंने इसको लिया नहीं, क्योंकि इतने पैसे वेस्ट करना इस पर कोई अच्छी बात नहीं है, 250-300 रुपये का यही आता है, ट्राईपॉड ही आता है, तो मैंने सोचा भी एक टाइम पे कि न्यू ले लिया जाए ट्राईपॉड, लेकिन फिर घर पे दो दो तीन तीन ट्राईपॉड पड़े हैं, तो हमने सोचा फालतू बेच जाएगा, तो हमने वहाँ पर वीडियो को कर दिया एंड, हमने जल्दी जल्दी मार्केटिंग खत्म की, और जस्ट जैसे ही बाहर निकले वैसे ही पानी गिर रहा था, एक तो चांदनी चौक पर ही पानी गिर रहा था बहुत, तो वहाँ भी मोबाइल निकालना मुश्किल पड़ा, और पालिका मार्केट पे भी मोबाइल हम लोग ने फिर नहीं निकाला, तो इस रीज़न से ब्लॉग का जो मेन पार्ट है मार्केटिंग वाला वो हम लोग ने शूट नहीं किया, तो अब देखते हैं, कोई नहीं, कभी कभी होता रहता है ऐसा, तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें, मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं अच्छे से थोड़ा सा, मेरे को भी सही से लगे कि हाँ ठीक है कुछ अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, तो मैं भी अच्छे से ब्लॉग बना पाऊँ। फिर करके आप बता सकते हैं कि अगला ब्लॉग जो है अगर आप देखना चाह रहे हो तो कहाँ का देखना चाह रहे हो, या लाइफस्टाइल से जुड़ी चीज़ें हैं, आसपास चीज़ें, जो भी आप देखना चाह रहे हो, मतलब जो भी आप ब्लॉग जहाँ का भी देखना चाह रहे हो, एक बार मुझे कमेंट कर दो, तो अगर मैं ट्राई करूँगा कि अगर मैं यहाँ से फ्री होता हूँ संडे को या सैटरडे को कहीं भी निकलूँगा, जहाँ पर आप बोलोगे कमेंट जहाँ पर ज़्यादा रहेगा, तो वहाँ पे निकलूंगा मैं, तो फिर देखते हैं वहाँ का मैं ब्लॉग शूट करूँगा, कोशिश करूँगा हो जाए जल्दी से। वो एडिट कर रहे हैं यहाँ ब्लॉग को, ये एडिट कर रहा हूँ मैं, तो ब्लॉग की जो एडिटिंग, तो ये ब्लॉग की एडिटिंग चालू है अभी, जस्ट जल्दी ब्लॉग ये है जो अपलोड होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कॉमेंट भी करते रहें कि ब्लॉग, और कॉमेंट भी करें ब्लॉग के लिए, तो प्लीज़, और अपना ख्याल जरूर कर रखें, क्योंकि ऐसे कोविड की तरह ही एक मंकी पॉक्स भी आप लोग जान ही रहे हैं कि इंडिया पे फैल रहा है वो भी मंकी पॉक्स भी, तो सेफ रहें आप भी और कोविड से भी सेफ रहें, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।